बड़ी खबर है रीवा से, जहां कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर डभौरा से रीवा कलेक्ट्रेट की पैदल यात्रा जारी है। सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने अपनी मांगों को लेकर डभौरा से पैदल रैली निकालकर रीवा कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं, जहां पर उनके अन्य साथी जो दूसरी रैली रहट से रीवा के लिए पैदल आ रहे हैं और तीसरे साथी जो नौबस्ता से रीवा पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। तीनों ही रैलियां कलेक्ट्रेट के सामने एकत्रित होगी। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी शुरू होगा। आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा धरना प्रदर्शन रीवा में होने जा रहा है, जहां से अलग अलग मार्गों से पैदल रैली पहुंच रही है। आचार्य, आप लोग क्या मांगे, किन मांगों को लेकर ये रैली निकाली गई है, क्या है? ये डभौरा से जो है हमारी ये दलित आदिवासी भूमिहीन गरीब किसानों की ये पदयात्रा है। हाँ, पोंगल्ला गुमारी जो है डभौरा में जगह है, वहाँ से जो है ये हम लोग जो है 90 किलोमीटर के आसपास जो है, जब हम जिला मुख्यालय पहुँचेंगे तो ये 90 किलोमीटर की हमारी कुल पदयात्रा होगी। इसमें हमारी मुख्य मांगें ये हैं कि जो गरीब दलित आदिवासी भूमिहीन हैं, उनको जो है वो शासकीय ज़मीनों का पट्टा दिया जाए, जो जहाँ पर कई वर्षों से काबिज हैं उन ज़मीनों का उन्हें पट्टा दिया जाए, और रोजगार गारंटी में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को रोका जाए। पानी और बिजली की जो समस्याएं हैं दलित आदिवासियों की बस्ती में, वो पानी और बिजली की समस्याओं को जो है समाधान किया जाए। गुमारी के जंगल में जो हजारों की संख्या में आदिवासी बसे हुए हैं, वहां पर बिजली और पानी का संकट है, उसको दूर किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर ये हमारी डभौरा से पदयात्रा चल रही है। आज की ये हमारी जो पदयात्रा है वो किसान मजदूरों की संयुक्त एकता का परिचय है, और इसी तरीके की हमारी दो पदयात्राएं और चल रही हैं जो अभी जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगी। एक जो है राहट से कल हमारी पदयात्रा निकली हुई है, जो अभी गल्ला मंडी में रात में विश्राम की है, और एक जेपी और अल्ट्राटेक के मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर जो है जेपी नौबस्ता से हमारी पदयात्रा चल रही है, वो भी जिला मुख्यालय में पहुंचेगी। तो इस पूरे ज़िले भर के जो किसान गरीब मजदूर दलित हैं उनकी संयुक्त मांगों को लेकर ये हमारा पदयात्रा मार्च है, और हम लोग जो है सरकार और प्रशासन से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो बड़ी कंपनियों की ओर से खास करके जेपी प्रबंधन द्वारा जो मजदूरों पर दमन किया जा रहा है वो रोका जाए, और दलित आदिवासी भूमिहीनों को जो जहां पर काबिज हैं उनको पट्टा दिया जाए, और जिन जो भूमिहीन हैं उन्हें ज़मीन दी जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं, ये हमारी मुख्य मांगे हैं, जो शासकीय ज़मीनों पर तालाबों के भीटों पर जो कई वर्षों से बसे हुए हैं उनको बेदखल नहीं किया जाए। ये इन्हीं तमाम मुख्य मांगों को लेकर आवारा पशुओं का सवाल है जिले के अंदर, कि आवारा पशुओं से किसानों की जो है पूरे प्रदेश में पूरे ज़िले भर में जो है फसलें तबाह हो रही हैं, वो आवारा पशुओं को रोका जाए, और आवारा पशुओं से जो किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं, और ये अभी हमारा मार्च जो है वो 12 बजे तक जो है हम कलेक्ट्रेट जाएंगे, कलेक्ट्रेट पर ये हमारा महापड़ाव पड़ेगा, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, इसका कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकलता, तब तक ये जिला मुख्यालय के सामने हमारा पड़ाव जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन।